हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ कबीर। मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट नाउ। किसने कहा राहुल गांधी को मंदबुद्धि? भाजपा महासचिव सरोज पांडे का विवादित बयान, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बताया मंदबुद्धि। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को मंदबुद्धि वाला नेता करार दिया है। उनके इस बयान की कांग्रेस ने भी कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं सरकार की 4 साल की उपलब्धियां भी आम जनता को बताई गई। इस कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा की राजनीति यह विवादित बयान देकर उन्होंने विचार मचा दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ठीक से बोलना भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से बोलते हैं और जिस तरीके का व्यवहार करते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं, इससे मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति आज इस सीखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जो व्यक्ति सीखता है वो असल में मंदबुद्धि कहलाता है। यानी कि आप ऐसे व्यक्ति को औसत दर्जे का आदमी कह सकते हैं। उसके इस बयान के बाद विपक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी के लिए इस तरीके का बयान देना सरोज पांडे को शोभा नहीं देता। उन्हें कम से कम अपनी पार्टी के पद का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी उनका विवादों में रहना पुराना नाता है। वे जहां भी जाती है विवाद उनके साथ चलता है। राज्यसभा सांसद को पहले अपने आप को देखना चाहिए, फिर राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान देना चाहिए। जिस तरीके का विवाद इन्होंने दिया है उससे लगता है कि एक बार फिर भूचाल आना संभव है। यानी कि राजनीतिक पार्टियों में अब उठापटक होनी जरूरी भी है, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले हैं और जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है ये बिल्कुल राजनीतिकरण को बदल सकता है। अगर आज को वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लगता है कि देश के जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, क्या गलत है या सही है। नमस्कार।